हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जितने भी आपके पूरे बुक के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को बताने वाला हूं, ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये जो मैं आपको जितना गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा, अगर इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका 6 और +6 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका 6 नंबर का गद्यांश और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। देखो यहां सबसे पहले मैं आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा गद्यांश है, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है और हर साल आता भी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक जो है आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि यह हमारा किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारा किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या का 2 नंबर। देखो यहां, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की अब भीख नहीं मिलेगी, बस इतना अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दोगे, बस 2 नंबर, ठीक है, मतलब आपका 6 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश, इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और हां, अपने पिता का कौन सा कार्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, बस इन तीनों का आपको आंसर दे देना है, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये हमारा जो है, देखो ब्राह्मण आ गया ना, ब्राह्मण, तो ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां हेडिंग डाल देना, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको संदर्भ ही लिखना है, तो आ वाला हमारा है बच्चों संदर्भ। तो संदर्भ में आपको लिखना बता देता हूं एक बार, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लेना। अब इस चैप्टर से कोई भी आए तो आप लोगों को ऐसा ही संदर्भ लिखना है, कोई भी आपका गद्यांश है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही संदर्भ लिखना है। देखो, आप लोगों को अच्छे से ब्लैक ब्लू पेन दोनों का यूज करना है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ये लिखना है प्रस्तुत जो गद्यावतरण है, ये हमारा जो प्रस्तुत गद्यावतरण है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब आपका ये हिंदी है ना, तो हिंदी को आपको ब्लैक से लिखना है, कॉमा लगाकर, ध्यान से समझो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हिंदी आप लोग अच्छे से लिख देना, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड। वैसे मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इस चीज को समझे रहो, ठीक है। गद्यखंड में संकलित, गद्यखंड में संकलित, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों ममता। क्या नाम है, ममता। तो ममता, देखो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आप लोग ब्लैक से पेन से लिखना, यह ध्यान रखना, ठीक है, ब्लैक पेन से, इतना आप लोग ध्यान रखना। ममता नामक पाठ से है, ममता नामक पाठ से है, और इसके लेखक जो है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि नहीं पता है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉमा लगा लेना, और हैं, बस ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना ना, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कम से कम ये रेखांकित अंश जो है इसको 2 से 3 बार पढ़ना होगा। जब आप इस चीज को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, 2 से 3 बार पढ़ लोगे, तो इसका व्याख्या जो है ना ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि हम इसकी व्याख्या कैसे लिखें, ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, जैसे हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। तो हम आप लोग, अब हम आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं कैसे करना है, वो ध्यान से समझो।
रेखांकित अंश की व्याख्या पहले हेडिंग डाल देना, ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, आगे हर एक चीज में लिखना। मान लो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इसके लेखक है, वो वाला आ जाए तो आगे लिख देना लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहना है। ऐसे ही लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, ठीक है। जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जब ममता ने सोने से भरा हुआ आभूषण का एक थाल था जो इनके पिताजी ले रहे थे, ठीक है, उसको देखा, तब वह आश्चर्य से अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्तियों के लिए, मतलब विपत्तियों के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर विपत्ति आ रही हो तो उसको भी देखा जाएगा, आप विपत्तियों के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, ठीक है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, दुस्साहस किया है, ठीक है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया है। पिताजी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रह जाएगा, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी भीख दे सके, जो इस ब्राह्मण को दो मुट्ठी भीख दे सके। आप इतना आयोजन क्यों कर रहे हो विपत्तियों के लिए, ठीक है। देखो, समय के अकॉर्डिंग हम रहेंगे, ऐसे इनका कहना था, ठीक है। और आप उस विपत्तियों के लिए इतने सारे धन का संग्रह कर रहे हो, ठीक है, वो जो है ना इच्छा के विरुद्ध हुआ, भगवान की इच्छा के विरुद्ध ममता मानती थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अपने पिताजी का कौन सा कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। अपने जैसे कौन सा कार्य उनके पिताजी ने किया जो उनको परम पिता के विरुद्ध लगा, तो यहां मैंने लिख दिया है, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। जो स्वर्ण के सिक्के थे, जो स्वर्ण के सिक्कों का थाल था, वो जब इनके पिताजी ले रहे थे तो ये ममता जी को अपने परम पिता के विरुद्ध लगा, ठीक है। बस ये अगर आप इतना कर लोगे ना, आपका गद्यांश पूरा कंप्लीट हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इस पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आप लोग लिख कर आना, बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आना नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, हिंदी में भी 90% मार्क्स लाना है, तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखो, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ध्यान से समझो, दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, जितना मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं ना, अगर उतना कंप्लीट कर लोगे ना, आपका गद्यांश पद्यांश आज के बाद क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा इंपोर्टेंट है, लिखा हुआ, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना हमारा रेखांकित अंश है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा ये किस चैप्टर से, इसके पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है। अगर यह पता चल गया तो हमारा दो नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। ये दो नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, तो ये सारे बच्चों को पता होगा। सबसे पहले इसमें देखो, मित्र के बारे में बताया गया, संगति, बुरी संगति, मित्र, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया। तो हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, सारे बच्चों को पता चल गया होगा, मित्रता चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से? मित्रता। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ध्यान से समझो, जितना मैं आपको समझा रहा हूं, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो इतना तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। तो फिर सबसे पहले आपसे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का, और अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए बच्चों 2 नंबर का, ठीक है। तो 2-2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले मैंने एक बार संदर्भ बता दिया है, अब मैं आप लोगों को संदर्भ उसी टाइप से, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है। गद्य में ऐसा ही संदर्भ लिखना, अभी पद्य में भी बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग व्याख्या सब कुछ। तो सबसे पहले संदर्भ पर ध्यान दो, ये हमारा किस चैप्टर से है? पहले चैप्टर से, मित्रता। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। सेम उसी तरह से है, केवल मैंने जहां पाठ का नाम था वहां लेखक का नाम कर दिया। पहले पाठ का नाम लिख सकते हो, लेखक का नाम बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बता दिया कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया संदर्भ। सेकंड नंबर, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ लो ध्यान से एक दो बार। देखो, लिखा हुआ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर का मतलब होता है बुरी संगत वाले लोग, ठीक है। अगर आपकी संगत बुरी है तो वो बहुत ही भयानक है।
एंड यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता, यह आपकी नीति, जो आपकी नीति है, अच्छाइयां हैं, उन्हीं का ही नाश नहीं करता, बल्कि आपका बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। ठीक है, बस इतना सा आपको देखांगी तंस की व्याख्या करना है। तो इसको आप लोगों को अपनी भाषा में जो भी आए लिख दो भाई, मित्रता के बारे में, अच्छी मित्रता, बुरी मित्रता के बारे में जो भी आए लिख दो, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे एक घातक बुखार होता है जो आपके शरीर को दुबला बना देता है, स्वास्थ्य आपका खराब कर देता है, कभी कभी मौत भी हो जाती है, उसी समान से ये जो बुरी संगत वाले लोग हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, ज्वर का मतलब होता है बुखार, अगर मतलब भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है वो उसके शरीर को और स्वास्थ्य को दोनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कर देता है एंड तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। कभी कभी ऐसा ज्वर होता है ना जो उसके प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से अगर संगति आपकी बुरी है, ठीक है, आप बुरी संगति में जी रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, आपकी बच्चा नैतिकता, सदाचार, बुद्धि सबको बेकार कर देगा। ठीक है, आपके जो सब चीज को आपका नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बुरी संगत वाले लोग हैं वो सुधर जाओ, क्योंकि अच्छे संगत से रहोगे तो आपको अच्छे अच्छे विचारों को बताएंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकोगे। ठीक है, और बुरी संगत वाले आपको बुराइयां जो है आपके अंदर भर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा, नैतिकता, सदाचार, नीति सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अभी हमारा इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो लिखा हुआ है कि अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब अच्छी संगत से होने वाले लाभों को आपको उदाहरण देकर समझाना है। अच्छी संगति जो है सहारा देने वाले बाहु के समान है। मान लो आप किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, आपकी आप किसी भी गलत परिस्थिति में हो, मान लो आपको, तो वो आपको सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति की जीवन रक्षक है, जो व्यक्ति का जीवन रक्षक है, व्यक्ति का रक्षा करेगा और उसे उन्नति की ओर जानी जाना होगा। ठीक है, उन्नति की ओर जानी बलि होती है। ठीक है, मतलब बल देगा उन्नति की ओर जाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करेगा, बल देगा। बस ये हमारा हो गया अच्छी संगति। तो ये हमारा हो गया बच्चों, मैंने आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, अगर अच्छे मार्क्स लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, 90% हिंदी में भी लाना है, तो आज ही आप ये सारा तैयार कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो पद्यांश देखेंगे। ये दो गद्यांश तैयार कर लेना, और भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूं, नोट बनाओ, पढ़ो, क्योंकि आप लोग भी हिंदी में 90% लाओगे, जब आप इन सबका नोट्स बनाओगे, एक दो बार रिवीजन करोगे, तो यार कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बता दिए फिर आप इसको देख लिए फिर बंद कर दिए, नहीं, आप उसको देखकर फिर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे ना तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा हमें लिखना कैसे, बोर्ड एग्जाम में और भी तेजी से लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें देखो पद्यांश में क्या कह रहा है, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होई न चित, मित एंड रज राज सुना हुई तो नेह चिकनो चित। ठीक है, तो इसमें आपको तीन क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ तथा व्याख्या लिखिए, एक ही में दो नंबर का। ठीक है, एक में ही आपका संदर्भ और व्याख्या पूछेगा। फिर किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, मलिन का मतलब होता है कि खराब हो जाता है। ठीक है, और नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, और संदर्भ ये हमारा किससे है, बिहारी लाल जी है इसके रचयिता, और हाँ ये इनकी भक्ति नीति चैप्टर से है। ठीक है, भक्ति और नीति, लेकिन भक्ति एक अलग है, नीति अलग है, शीर्षक है दोनों अलग अलग, तो भक्ति का नहीं है ये, नीति का है, नीति शीर्षक से है। ठीक है, तो ध्यान देना, इतना हमने देखा है बच्चे ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन ध्यान रखना। तो संदर्भ में क्या लिखोगे बच्चों, मैंने गद्यांश का तो बता दिया, पद्यांश का भी बता देता हूं, लिखना जो ये हमारा एक दोहा है, अगर दोहे का एग्जाम्पल पूछे तो यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत दोहा कवीवर, और इसके कवि कौन है बच्चों,
बिहारी लाल जी। कौन है? बिहारी लाल। ब्लेक्स लिखना, कवि हो या लेखक हो उसके उसको हमेशा ब्लेक्स लिखना, बिहारी लाल। कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित, अब ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है या काव्य है जिसे कह सकते हो, ठीक है, वो क्या है? बिहारी सतसई। ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक और ये हिंदी है ना, मतलब हिंदी आप लिख देना बच्चों, क्योंकि हिंदी इसकी एक बड़ी शाखा है, तो ऐसे हिंदी लिख देना, ठीक है, कि काव्य खंड। हिंदी के काव्य खंड में संकलित और ये जो हमारा है ना नीति शीर्षक है, कौन सा है? मैंने बताया भक्ति अलग है, नीति अलग है, तो नीति शीर्षक लिखना, ठीक है, नीति शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, बस हो गया, क्या दिक्कत है, बस इतना आपको लिखना है। यह हमारा एक पद्यांश का संदर्भ है, देखो इसमें मैंने क्या किया, इसको ब्लैक से लिखना, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देना, एग्जामिनर का हाईलाइट वाला पॉइंट बहुत नजर देता है, ठीक है, जब एकदम सही रहेगा तब ब्लैक से लिखना, अगर मान लो आपको नहीं याद है, डिसमिस हो, तो फिर ब्लू से ही लिख देना, हाईलाइट ना करना तब, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा प्रसंग, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को ना आने का परामर्श दिया। अगर आपको मित्रता को बनाए रखना है, मित्रता को नहीं टूटने देना है, तो फिर आप धन और वैभव इन सबको मित्रता के मध्य में मत लाओ, वरना लोभ उत्पन्न हो जाएगा और मलिन हो जाएगा आपकी मित्रता, ठीक है, व्याख्या समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चमक अर्थात चमक समाप्त ना हो, ठीक है, चटक मतलब होता है चमक, समाप्त ना हो तथा मित्रता अस्थाई बनी रहे, ठीक है, और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, उसमें कोई भी दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दे, अगर धन का संबंध होगा तो फिर मित्रता में आंच आएगी, ठीक है। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है, धन ऐसी चीज है ना जो मतलब भाई भाई में भी तो कर देता है, मित्र मित्र में भी कर देगा, क्योंकि धन ऐसी चीज ही है, ठीक है, तो क्या होगा, धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है और मित्र के स्नेह से चिकना और मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दे, जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु, जैसे किसी वस्तु पर तेल लगा दिया जाए ना तो धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, तो उस पर अगर धूल जाता है ना तो उसी पर चिपक जाता है, तो वो वस्तु मैली हो जाती है, ठीक है, और उसकी चमक घट जाती है, तो उसकी चमक जो है वो घट जाती है, उसी प्रकार से प्रेम से कोमल चित्त और धन धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है, ठीक है, आपके मन में जो आए अच्छे से लिख देना, ऐसे अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हमारा इसमें पूछ रहा है कि किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, किस विपत्तियों के कारण जो मनुष्य का मन है वो मलिन हो जाता है, इस चीज को बताना है। तो देखो, मनुष्य के मन में क्रोध, ठीक है, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी वृत्तियों के कारण उसका मन मलिन हो जाता है, अगर ये सारे दोष हैं तो उसका मन मलिन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है और क्यों? देखो, नेह चिकने का मतलब होता है प्रेम रूपी तेल, ठीक है, तो प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन का दो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है और बोर्ड एग्जाम में अगर लिख कराओगे तो फिर आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर मान लो ये आपका पद्यांश आ गया तो यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने बताया, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। अगला पद्यांश देखते बच्चों, ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पद्यांश है, बहुत बड़ा भी है और ये अक्सर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौवे, तून सराहन वान धरे, तुलसी बन मारग में सुथी सोहे, सादर वरही बार सुहाय, चिते तुम त्यों हमसे मन मोहे, और पूछति ग्राम वधु सियो जो, कहूं सामरे से सखी रावणे को है, ठीक है।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश है भाई, तैयार कर लेना। मैं आपको बताता हूँ संदर्भ कैसा लिखना है, ठीक है। एक बार मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ ऐसा लिखना है, तो वैसे आप पद्यांश में लिख देना, केवल पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज कर देना बस, ठीक है। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। सेम वैसा है जैसा भी मैंने बताया है, केवल पाठ का नाम लेखक का नाम सॉरी रचयिता, ठीक है, चेंज कर दिया गया है। और यहां उसमें क्या था, इसमें कवितावली है और उसमें क्या था, वो किसका था, बिहारी लाल जी का था ना, तो बिहारी सतसई था, ठीक है। बस तो वन पथ पर शीर्षक से है। व्याख्या देखो, ग्राम वधुएं सीता से पूछ रही हैं, जब सीता जी राम जी लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे ना, तो फिर जो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, तो ग्राम की वधुएं जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो क्या पूछ रही हैं, ध्यान से समझो। ग्राम की वधुएं सीता से पूछ रही, सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, ठीक है, जो सिर पर क्या जटा धारण किए, राम जी जो थे वो सिर पर जटा धारण किए हुए थे, ठीक है, तो जो जटा धारण हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, विशाल का मतलब उनका जो मतलब वक्ष स्थल और भुजाएं थे वो विशाल थे, हाथ जो था वो लंबे लंबे थे, ठीक है, और नेत्र लाल है, और नेत्र जो है उनका लाल है, तथा भौंवे जो है तिरछी सी हैं, और उनके जो भौंवे हैं वो तिरछी सी हैं, ठीक है, और जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, जो मतलब एक तरकस जो जिसमें बाण रखा जाता है ना और धनुष, उसको धारण किए हुए थे, इस मार्ग से बहुत शोभायान हो रहा है, मतलब इस मार्ग से जा रहे हैं तो इस मार्ग का बहुत शोभा बढ़ रहा है, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे, देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, सीता जी की ओर बार बार देख रहे थे तो फिर उनका मन भी आकर्षण कर रहे थे। हे सुखी, तुम हमें यह बताओ कि सुंदर सांवले रूप वाले राम जी तुम्हारे कौन लगते हैं, ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें केवल क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। अगर अगला पद्यांश देखोगे, इसका अगला वाला जैसे बुक में पढ़ोगे ना, तो बहुत मजा भी आएगा, मैं भी पढ़ा था, काफी अच्छा लगता है, और ठीक है, और अगर आप इसका आगे देखोगे तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें तब यहां देखो, यहां आपसे कहते ना, मैंने पढ़ा भी रखा है, सुनी सुनी सुंदर वैन सुधारक सानी है, जानकी जानी भली तिरछी कर नैन सैन दी तिन्ह के, और समझाएं कछु मुस्काएं चली, ठीक है। सीता जी कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलती है, अपनी इशारों से समझा देती है कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले हमारे कौन लगते हैं, पति है, ठीक है, पति, तो फिर ये समझा देती है, तो फिर ये वाला मैंने पढ़ा रखा है, इसमें केवल क्वेश्चन पूछा था बस, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें क्या पूछता है, इसमें तीन क्वेश्चन था, पहला कौन सा था, पहले मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन, देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखना था, प्रस्तुत मैंने संदर्भ भी बता दिया, व्याख्या भी बता दिया, ठीक है, और फिर ग्राम वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, ग्राम की वधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं, तो ग्राम वधुएं सीता जी से यह प्रश्न पूछती हैं कि हे सुखी, हे सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन लगते हैं, या तुम्हारा क्या लगते हैं, बस इतना क्वेश्चन पूछा था। एंड अगला है कि सांवरे में सखी में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है, दो दो बार साथ साथ आ गया, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार, तो बच्चा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट पद्यांश है, दो ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे बोर्ड एग्जाम में यार, इससे बाहर नहीं आएगा। आज का ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल करना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, हम लोग ऐसे ही और सारे हिंदी की वीडियो लाएंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।